धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य लोगों के लिए मैं ना चाहते हुए भी उपस्थित हुआ हूँ और ये उपस्थित होने का कारण है, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने देखा दो क्लिप्स वीडियो के जो मेरे मित्र ने मेरे पास भेजा है और उन्होंने कहा था तो बहुत पहले, लेकिन मैं दिल्ली में कई लोगों को फोन पर जानकारी लेने का प्रयास किया, फोन करके पूछा तो कम लोगों को पता लग पाया था आज की ये घटनाक्रम कि ये मियां अग्निवेश माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे बीजेपी कार्यालय में, और वहां पर उनके साथ लोगों ने जो व्यवहार किया, व्यवहार जम करके होना चाहिए था। क्यों? कि यह सन्यासी के लायक ही नहीं है और ना ऋषि दयानंद के मिशन में रहने के लायक है। ऋषि दयानंद के मिशन को बदनाम करने में जो तुले हुए हैं, सन्यास आश्रम के लिए भी कलंक है। लाल वस्त्र पहन करके ये सब वैदिक सिद्धांत और वैदिक परंपरा के खिलाफ काम कर रहे हैं, काम किया है वो आज से नहीं, शुरू से ही। ये नक्सलियों के बिचौलिया हैं। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये श्रद्धांजलि देने के लिए गए, या भूतपूर्व प्रधानमंत्री को ये श्रद्धांजलि देने के लिए गए, पिछले 85 में यही अग्निवेश अटल जी के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए बहुत से लोग मैं देख रहा हूं कि अग्निवेश के पक्ष में भी कुछ लिख रहे हैं। मैं विशेष करके उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि अग्निवेश तो आर्य समाज ही ना था ना है, तो किस संदर्भ में आप अग्निवेश का समर्थन कर रहे हैं? क्या समलैंगिकता का प्रचार करना या समलैंगिकता का समर्थन करना ऋषि दयानंद का काम है या काम था या कभी किया है ऋषि दयानंद ने? अरे लोगों, मैं आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूं, यही वो अग्निवेश है जो अग्निवेश स्वामी आनंद बोध जी सरस्वती, जो के सार्वजनिक सभा के प्रधान थे, उनके लाल वस्त्र उतरवाने के लिए ये सार्वजनिक सभा के गेट पे ये धरना में बैठे थे। आज ये अग्निवेश इस लायक है कि लाल वस्त्र इनसे उतरवा लेना चाहिए, ये सब यति मंडल को चाहिए, विरक्त मंडल को चाहिए, सब मिल करके इन पर शिकंजा कसे, जैसा कि ओम स्वामी जी के साथ आप लोगों ने सन्यास आश्रम के अखाड़ा वालों ने बोला था, इनसे वस्त्र उतरवा लेना चाहिए। विशेष करके आर्य समाजियों से मैं ये निवेदन करूंगा, आर्य समाजियों से मैं कहूंगा, क्या ये सार्वदेशिक सभा में बैठने के लायक है? या इनके साथ जितने भी हैं, चाहे वो आर्यवेश हो, माया प्रकाश त्यागी हो, विठल राव हो, इस तरीके जितने भी लोग हैं, क्या वो सही अर्थों में ऋषि दयानंद के सिपाही हैं? जब ऋषि दयानंद के वैदिक मान्यता के खिलाफ ऋषि दयानंद ने जहर पी पी करके भी वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को उजागर किया है और उसी वैदिक सिद्धांत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तथापि अग्निवेश का समर्थन करना ये कितने मूर्ख लोगों का काम है, झूठे लोगों का काम है। जो अग्निवेश इस सत्या प्रकाश पर केस प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में खलील खान और उस्मान गनी दो आदमी को खड़ा करके ये रिट दायर किया था, या आर्य समाज का काम है या आर्य समाजियों का काम है? इस पर मैं बहुत बोल रखा हूं और बहुत लिख भी रखा हूं, लगभग 55-56 लेख है मेरा इस अग्निवेश प्रकरण में। आर्य जगत के किसी भी विद्वानों ने ना लेख नहीं लिखा जितना के महेंद्रपाल आर्य ने लिखा है,
और मैं ये सारा उजागर कर दिया हूं कि अग्निवेश ना आर्य समाजी था ना है और ना इसका आर्य समाजी होने की कोई संभावना है। लेकिन आर्य शिरोमणि सभा सार्वदेशिक सभा में ये काबिज क्यों है, कैसे हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। और यहाँ नीचे जो बैठे लोग हैं वो भी इनके सामने आने पर खड़ा होकर के उनके इस्तकबाल करते हैं। यानी सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ही एक ही प्रकार के हैं कि आर्य समाज को कलंकित कर रहे हैं ऋषि दयानंद के मंतव्यों का, गला घोटा जा रहा है समलैंगिकता का प्रचार करके, समलैंगिकता का समर्थन करके, नक्सलियों का समर्थन करके, नक्सलियों के बिचौलिया बन करके, और मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो तुम वंदे मातरम न बोलो, किनको क्या बिगाड़ना होगा बिगाड़ ले। आरएसएस के खिलाफ इन्होंने आसाम में जाकर के वक्तव्य दिया और उन्होंने बहुत सी बेतुकी बातों को सुनाया था वहां पर, उस पर मैं लिखा हूं, उस आसाम के पत्रिका को सामने रख करके मैं लिखा भी हूं। तो ये सारा काम मेरा किया हुआ है, इसलिए अग्निवेश के साथ जो हुआ है वो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक हुआ है। अभी पिछले दिन पाकुड़ में भी हुआ था, लेकिन मैं तो ये समझा कि पाकुड़ में जो हुआ वो उन्हीं की साजिश होगी, क्योंकि ये अखबार के सुर्खी पेज में रहना ही इनका उद्देश्य और मकसद है। अखबार के सुर्खी पेज में ही ये रहना चाहते हैं, इसलिए अपने लोगों को बुला करके ही ऐसे काम करवाया, नहीं तो इतने लोगों के हाथ पड़े और कोई अंग भंग भी नहीं हुआ। और आज भी उनको केवल धक्का दिया गया, महिलाएं भी विरोध कर रही थी, मैं देखा वो सारा वीडियो, महिलाएं भी विरोध कर रही थी वापस जाओ वापस जाओ। किस शर्म से, किस मुंह से ये बेशर्म व्यक्ति वहां चले गए मैं नहीं समझ पाया। जो सन्यास आश्रम के नाम से ये कलंक है, लाल वस्त्रधारी के नाम से ये कलंक है, मैं तो लिखा हूं लाल वस्त्रधारी को ढोए फिर रहे लाल बुजक्कड़, और कुछ लाल बुजक्कड़ है इनके साथ जो मैं इसमें देखा हूं। उस वीडियो के साथ नीचे कुछ कमेंट्स लिखे हैं, एक संजय जी हैं, ये नहीं क्या नाम है उनका, मृत्युंजय जी हैं, उन्होंने उसके समर्थन में लिखा। मृत्युंजय जी को पता ही नहीं है कि अगर सही अर्थों में आप आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के साथ आपका जुड़ाव है लगाव है, तो क्या ऋषि दयानंद की ये मान्यता है समलैंगिकता का समर्थन करना। धनंजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भाई कौन धनंजय जी है मैं नहीं जान पाया। ये धनंजय हमारे आर्य समाज में दो है, एक गुरुकुल पौधा के है आचार्य हरिदेव जी के शिष्य है, एक आचार्य धनंजय जी दिल्ली में गुरुकुल चलाते हैं आर्य समाज में। तो इन दोनों में से ये दिल्ली वाले तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो गुरुकुल पौधा वाले हैं, उन्होंने जिन्होंने समर्थन किया, और समर्थन तो करना है उनको, क्योंकि आचार्य हरिदेव जी भी इनके साथ हैं, क्योंकि आचार्य हरिदेव जी को ही अग्निवेश ने बचाया था उस समय उन दिनों में, इसलिए हरिदेव जी को छोड़ करके अग्निवेश का समर्थन आर्य जगत के कोई भी विद्वान नहीं करता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ बहुत ठीक हुआ, सार्वजनिक सभा से भी उन्हें धक्का दे देना चाहिए, सार्वदेशिक सभा से उनको उतार देना चाहिए। ये अग्निवेश और माया प्रकाश त्यागी और विठल राव आदि ये जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब के सब गैर आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के संस्था पर ये अवैध कब्जा किए बैठे हैं, कब्जा जमाए बैठे हैं। इसलिए मैं दो टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना उचित समझा। मैं तो लिखा हूं इष्णाओं के तृष्णा बुझाने के दौड़ में अग्निवेश, मैं लिखा हूं ऋषि दयानंद के जन्मस्थली टंकारा को राजघाट बनाने की कगार पे सर्वधर्म चेतना का स्वांग, ये सब लेख मेरा है। घर को आग लगी घर के चिराग से, तथा कथित आर्य समाजी मनाम रट्टू तोता, ये सब मेरे ही लेख है। अरे गाफिलो एक हो जाओ अगर मार गैरों की खानी नहीं, ये मेरे ही लेख है। आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी, ये सारा पंडागिरी हो रहा है। इसीलिए बंधुओं मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी मैं देखा बहुत ही ठीक हुआ है, मैं उन मरम्मत करने वालों का समर्थन करता हूं,
और यति मंडल से, विरक्त मंडल से मैं ये अपील करूंगा कि इनसे लाल वस्त्र उतरवा लिया जाए, क्योंकि ये कभी स्वामी आनंद बोध जी के लाल वस्त्र उतरवाने के लिए सार्वदेशिक सभा में 3/5 असफ अली रोड महर्षि दयानंद भवन के नीचे धरना में बैठे थे। और यही आर्य वेश के साथ भी होना चाहिए, ये लाल वस्त्र के काबिल नहीं है। लाल वस्त्र धारण करके ये आर्य समाज के लिए कलंक है, आर्य समाज को बदनाम कर रहे हैं, ऋषि दयानंद को बदनाम कर रहे हैं, ऋषि दयानंद के संस्था को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं दो टुक में सभी आर्यजनों के पास अपनी बातों को पहुंचा देना उचित समझा। भाई तुम अमरनाथ यात्रा करने वालों का विरोध करते हो, तो हज यात्रा का विरोध किया है तुमने कभी? हज क्या करने के लिए जाते हैं? जब क्या मुसलमान इस्लामी समाज में, मुस्लिम समाज में जाकर के कभी कह पाया ये अग्निवेश कि अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तुम कहते हो वहां जाकर के? क्या तुम्हारी हाजिरी वही लगती है? अगर हाजिरी तुम्हारी वही लगती है तो भारत में क्या प्याज छील रहे हो? कहा कभी अग्निवेश? ऐसा ही अग्निवेश सरी के और भी कई लोग हैं, चाहे वो एक शंकराचार्य हो, एक रोशन लाल आर्य यमुनानगर वाले हरियाणा के हैं, और एक स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद है, और एक आचार्य प्रमोद कृष्णन है। अब वो आचार्य काहे का है मैं नहीं जानता हूं, उसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी नंबर ऐसा लगना चाहिए, और ये जितने भी हैं स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद, इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये सब बकवास कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं। इनके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन दो टुक में मैं आज आप लोगों को मौके पर इन बातों को कह देना उचित समझा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दिनेश सबरवाल जी नमस्ते, जी नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते, पंडित जी ललित सागर जी, ज्ञान प्रकाश जी, जी नमस्ते, शिव मूर्ति विश्वकर्मा जी, जी ओम नमस्ते नमस्ते जी। तो सभी मित्र मंडली का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुँचाएं, जो सच्चाई का उजागर किया जाए कि ऋषि देहरम को बदनाम करने का ठेका मौलाना अग्निवेश ने लिया हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद जी थे जो दिल्ली के जामे मस्जिद में मेंबर पर खड़ा होकर के तम हिना पिता वसुतम माता सतगत बहुविता धाते सुमनमी महे वेद मंत्र का गुंजायमान किया था, और अग्निवेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वक्तव्य शुरू करते, और ओम बिस्मिल्ला बोलते हुए भी कई बार देखा गया। तो ओम अगर बोल दिया तो ओम तो पूर्ण है, सर्वरक्षक है, तो जब सर्वरक्षक है ओम का अर्थ, तो उसमें बिस्मिल्ला शब्द कहाँ जुड़ गया? और आज तो कुरान का बिस्मिल्ला गलत है, मैं तो आज इन्हीं के किताब से ही हवाला उठा करके दिया हूं। फेसबुक में मेरा आर्टिकल देखा होगा आप लोगों ने कि इन्हीं के किताब से ही मैं ये लेख उठा करके दिया हूं कि ऋषि दयानंद की जो पकड़ है कि कुरान का बिस्मिल्ला गलत है, वो बरहक है, बिल्कुल सही है। तारिक मुर्तजा के साथ 2007 में 27 मार्च को मेरा डिबेट हुआ था। तारिक मुर्तजा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बादशाह सुलेमान की पत्नी बिल्किस ने लिखी थी, जबकि मैं कुरान का भाष्य इब्ने कसीर से ही आज हवाला दिया हूं कि इब्ने कसीर में ये लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द जो है वो कुरान की जड़ है, वो शुरुआत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द उम्मुल किताब है। ये सारा मैं इब्ने कसीर से उठा करके दिया हूं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद की पकड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर है, ये पकड़ किसी और की न थी, न हुई है, और न होना संभव होगा। चाहे वो राजा राम मोहन राय ने कुरान पर टिप्पणी की हो, सर यदुनाथ सरकार ने भी कुरान पर टिप्पणी की हो,
मुंशी इंद्रमन जी ने भी टिप्पणी की हो, लेकिन ऋषि दयानंद की जो पकड़ है उस पकड़ से ये इस्लाम वाले बाहर नहीं जा सकते। मैं इब्ने कसीर से ये सारा हवाला दिया हूं और अब मेरा निरंतर यही चलता रहेगा। मैं इन्हीं की किताबों से ये हवाला देता रहूंगा, प्रमाण करता रहूंगा, प्रमाणित करता रहूंगा, आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाता रहूंगा कि कुरान कलामुल्ला नहीं है। भले ही बकवास करने के लिए कुछ लोग महेंद्रपाल का मुंह तोड़ जवाब, कुछ महेंद्रपाल को जवाब को बोलते रहे हैं, बकते रहे, बक रहे, लेकिन मैं अपने वीडियो के साथ उन लोगों का वीडियो लगा करके मुफ्त में उनको अपना नाम खरीदने के लिए मैं देना नहीं चाहता। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं दो टुक में सब उन्हीं के किताब से, मैं बोला कि इब्न कसीर से ही मैं यह सारा हवाला उठा करके दिया हूं कि इब्न कसीर में ही बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम को पहली आयत बताया है। और सूरह फातिहा को आप देखेंगे, सूरह फातिहा में जो 7 आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम को अगर छोड़ देंगे तो 6 आयतें बनेंगी, 7 बनेंगी नहीं। इसलिए बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम शब्द को लेकर के ही 7 आयत है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम का अर्थ यही है, शाब्दिक अर्थ इसका यही है कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। ऋषि दयानंद ने यहीं पर सत्या प्रकाश के 14 समुल्लास में टिप्पणी की कि एक अल्लाह दूसरा अल्लाह के नाम से शुरू किया है, और जो अल्लाह रहमान और रहीम बताए जा रहे हैं पर वही अल्लाह पशु काटने के लिए भी हुक्म दे रहे हैं, पर अल्लाह उन पशुओं पर रहम किया क्या है? साधारण रूप से भी विचार कर सकते हैं, और मौलाना अग्निवेश इसी का ही प्रचारक है। मैं तो लिखा हूं कि इस्लाम का कुशल प्रचारक मौलाना अग्निवेश, ये सारा लेख मेरे ही है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भी कुछ हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है अग्निवेश के संदर्भ में, अनेक अधिक होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, उन्हें सार्वदेशिक सभा से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए था कि ऋषि दयानंद की संस्था है, ऋषि दयानंद के नाम से ये संस्था है, जो हमारा आर्यों का शिरोमणि सभा है, ऐसी सभा में ये वेद विरुद्ध आचरण करने वाला, वेद विरुद्ध बोलने वाला, इस्लाम के पक्ष में बोलने वाला उस पर काबिज क्यों और कैसा है? जिस दिन इन्होंने समलैंगिकता का समर्थन किया उस दिन मैं और विमल बधवन जी हम दोनों गए सार्वजनिक सभा में, यद्यपि मेरा पहली बार पहला ही चांस था वहां जाने का। सार्वजनिक सभा का मैं 11 वर्ष तक प्रचारक रहा, उपदेशक रहा, 1983 से लेकर के 94 तक स्वामी आनंद बोध जी के काल में संन्यास उन्होंने मेरे सामने ली थी। तो स्वामी आनंद बोध जी के निधन के बाद मैं दोबारा गया था, तो विमल बधवन जी ने यही आर्य वेश से लिखवा लिया था कि आप समलैंगिकता का समर्थन करते हैं क्या? तो अग्नि आर्य वेश ने लिख करके दिया मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन फिर उन्हीं के साथ लगे हुए, उन्हीं के पीछे लगू हैं। आज भी विमल बधवन जी के पास वो पत्र मौजूद है, और इस आर्य वेश को जब ये जगवीर था उसको भी मैंने क्या क्या पत्र लिखा, कैसे लिखा, वो सब मैं उजागर कर चुका हूं। इसीलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद की संस्था में अग्निवेश और आर्यवेश सरीखे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये ऋषि दयानंद को कलंकित कर रहे हैं लाल वस्त्र में। इसलिए मैं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना जरूरी समझा, इसलिए मैं उपस्थित हो गया हूं बिना ना चाहते हुए भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।